हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। बहुत बड़े नंबर में 635 अराउंड पोस्ट्स हैं, परमानेंट पोस्ट हैं। सैलरी 1,50,000 एंड अबव पर मंथ सैलरी बनने वाली है। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं और काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट जॉब रहेगी क्योंकि परमानेंट है तो, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा निकाली गई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन एलिजिबल है यहाँ पर, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। अप्लाई फ्रॉम एनी स्टेट, अगर आप एलिजिबल हैं तो बाहर के स्टेट से भी बिलोंग करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट हो जाती है तो आप बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरी डिटेल्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर। दो अलग अलग पीडीएफ है जिसमें टोटल वैकेंसीज हम देखने वाले हैं। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसमें जितने ज़्यादातर मेन सब्जेक्ट्स हैं जो कॉलेज में पढ़ाई होती है वो सभी हैं यहाँ पर। और इस तरीके से हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, कॉमर्स, लॉ एट्सेट्रा, ऐसा करते हुए बहुत लाइब्रेरी, लिंग्विस्टिक, मैनेजमेंट, मैथ्स, माइक्रोबायो, तो जो कॉलेज में जो भी टीचिंग होती है मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। तो ये टोटल 449 एक पीडीएफ में है और दूसरी पीडीएफ में फिर और वैकेंसीज हैं। सेकेंड पीडीएफ में कुछ वैकेंसीज इस तरीके से हैं जो कि टोटल कुल मिला के 186। तो एक पीडीएफ में 400 समथिंग है एंड इधर 186, तो टोटल 600 के ऊपर वैकेंसीज है। तो अब बात कर लेते हैं कि वैकेंसीज कहाँ से आई हैं और किन चीज़ों की वैकेंसीज है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, डिटेल्स रिगार्डिंग टीचिंग पोजीशंस। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आई हुई हैं, टीचिंग पोजीशंस हैं इसमें। इसमें काफ़ी वैकेंसीज हैं बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि एसोसिएट प्रोफेसर है और दूसरी जो है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कुल मिलाकर सभी सब्जेक्ट्स मिला के जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, टोटल एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 49 सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज हैं जो 449 पोस्ट्स हैं जिनमें वैकेंसीज फिल होनी है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। और फिर दूसरी जो है वो है प्रोफेसर के लिए जिनमें प्रोफेसर में भी अराउंड बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फिलहाल, ये प्रोफेसर के लिए है और इसमें भी 45 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वैकेंसीज आउट हुई हैं, 186 पोस्ट है। तो प्रॉब्लम ये है कि वैकेंसीज बहुत सारी हैं, अच्छी हैं, सभी के लिए पे स्केल ऑफर हो रही है लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है। तो जो फ्रेशर होते हैं वो जिनके पास नेट सेट होती है या फिर जो पीएचडी अभी, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फ्रेशर्स एलिजिबल होते हैं। बट यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज नहीं है जो कि थोड़ा डिसअपॉइंट, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही है। अब अगर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आप एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, सभी के लिए पे स्केल ऑफर हो रही है बहुत अच्छी। तो एलिजिबिलिटी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो मेन सब्जेक्ट्स हमारे आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, साइंस, सोशल साइंस, लॉ, लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी साइंस के लिए पीएचडी होना मस्ट होगा। दूसरा, मास्टर डिग्री में 55% जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन 55% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। मिनिमम 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग या फिर रिसर्च, तो रिसर्च में या फिर टीचिंग में आपकी 8 ईयर्स की मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर भी हो सकती है। और साथ ही साथ विद ए मिनिमम 7 पब्लिकेशंस इन पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स, और साथ ही साथ 7 पब्लिकेशन होने चाहिए पीयर रिव्यूड या यूजीसी लिस्टेड जर्नल में। टोटल रिसर्च स्कोर 75 होनी चाहिए। तो ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है। और अगर पे स्केल की बात करते हैं तो पे स्केल लेवल 13 ए है जिसमें 1,23,000 या 1,00,000 समथिंग की बेसिक पे होती है सिर्फ। और दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मीन्स दिल्ली में काम करना है अगर, तो वहाँ पे एचआरए बहुत अच्छी होती है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में एचआरए सबसे ज़्यादा दी जाती है। तो एचआरए, डीएनएस अलाउंस, ये सब मिला के 1.5 लाख पर मंथ सैलरी, मिनिमम मंथली सैलरी बनने वाली है। तो इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट हो रही है तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भी ज़रूर होनी चाहिए थी।
तो यहाँ पर दो अलग अलग लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। एक लिंक पर आपको जाने से, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपके पास पीएचडी है, मिनिमम 8 ईयर्स की एक्सपीरियंस है आपके पास टीचिंग की या रिसर्च की, तो पीएचडी करते हुए जो रिसर्च की एक्सपीरियंस होती है उसे काउंट नहीं किया जाता है बहुत जगह पे। तो ये डिटेल आप चेक कर लें, इसकी लिंक मैं आपको दे देती हूँ। एक प्रोफेसर की है, इसकी एक लिंक अलग से है, एक पेज अलग से बनी हुई, इसमें क्वालिफिकेशन, इंस्ट्रक्शन, स्क्रीनिंग गाइडलाइन, इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट, FAQ, आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन है तो वो, और फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये इसके लिए एक अलग पेज बनी हुई है। दूसरी एक पेज बनी हुई है जो कि एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, सेम इसी तरीके से, इसमें भी आपको वैकेंसी, क्वालिफिकेशन, इंस्ट्रक्शन, स्क्रीनिंग गाइडलाइन, इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट, FAQ और ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए लिंक सेपरेटली सभी के लिए PDF दी हुई। तो ये दोनों ही एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। इसकी लास्ट डेट अभी कुछ फरवरी में लिखी जा रही है, जो कि बार बार एक्सटेंड भी होती है। फिलहाल लास्ट डेट इज़ 7 फरवरी 2022 ऑनलाइन एप्लीकेशन है, या फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश होने के 2 वीक तक आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। बट इसकी क्या होती है, डेट बार बार एक्सटेंड होती है, एक बार तो मिनिमम होती ही है, फिर भी 7 फरवरी तक अगर आप एलिजिबल हैं तो अच्छे तरीके से एलिजिबिलिटी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देश के किसी भी पार्ट से बिलोंग करते हैं, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट हो रही है तो आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। जो प्रोफेसर पोस्ट के लिए डालना चाहते हैं उनके लिए वर्क एक्सपीरियंस और बाकी की जो ये है वो रिक्वायरमेंट्स है, वो एजुकेशनल एंड रिसर्च रिक्वायरमेंट्स है, वो ज़्यादा होंगी। मैंने आपको एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, वो एक्सप्लेन कर दिया। लिंक के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, लिंक मैं नीचे कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करती हूँ। नीचे तक स्क्रॉल डाउन करें और चेक करें लिंक्स को।